रामानुज संप्रदाय का ये बड़ा पवित्र प्यारा शब्द है गोष्ठी, बड़ा प्रिय शब्द है गोष्ठी। गोष्ठी शब्द जहां कुछ अत्यंत करीबी लोग, अभिन्न लोग बैठे, खास वैसे जब कोई भगवान का उत्सव होता, सवारी निकले तो सवारी के विश्राम के बाद जो जो लोग सवारी में साथ थे, जो भीतर तक भगवान को पधराते हैं, अगर हम श्रीरंगम में या तिरुपति में और हमारे वृंदावन में भी रंगनाथ विराजते हैं, उन स्थानों पर जावें तो ये देखने को मिलेगा जो भीतरिया लोग हैं, जब ठाकुर जी अपने यथा स्थान पर विराज जाते हैं तब ठीक भगवान के संग उनके बाहर विराज कर पर्दा के बाहर सब लोग, वो 5-25 लोग संग बैठकर श्री ठाकुर जी के प्रसाद को गोष्ठी रूप में प्राप्त करते हैं। कोई कोई सौभाग्यवान वो अवसर पाता है, मतलब जो भगवान का निज पार्षद है उसको गोष्ठी मिलती है। उसने अगर भगवान की सवारी उठाई, रथ को सेवा की, रथ के पास मार्जन किया, व्यवस्था की और भीतर तक श्री ठाकुर जी को उनके यथा स्थान पर विराजमान किया, तो उस परिश्रम के, उस सेवा के परिणाम स्वरूप भगवान उसको अपने समीप में विराजमान करके थोड़ी सी गोष्ठी कराते हैं। दूसरी बात, जो गोष्ठ में हो उसको गोष्ठी कहते हैं। श्री कृष्ण जब सब गैयाओं को लेकर जावें, संजा को संग लौटें, तो बीच वन में और वापस लौटकर जो जो ग्वाले संग गए थे उनके संग बैठकर अपने संग साथ लाई पोटली में से सबको कुछ कुछ बांट के खवामे, उसको गोष्ठी कहते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री राम भी विभीषण, सुग्रीव, जामवंत जी, नलनील, श्री हनुमान जी, खास जब विभीषण प्रभु श्री राम के शरणागत हुए उस समय ये सब लोग भगवान के संग बैठे थे। और चूंकि रामानुज संप्रदाय में वाल्मीकि रामायण को श्रेष्ठतम शास्त्र कहा गया है, अभी भी दक्षिण भारत में तो वाल्मीकि रामायण की महिमा है, तो सब प्रभु श्री राम के संगी वहां बैठे गोष्ठी कर रहे थे।